उधर मुंबई में महंगाई और जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भारी संख्या में इकट्ठे हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को महंगाई के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सड़क पर ऐसा संग्राम शायद ही पहले कभी दिखा हो। दिल्ली में सुबह से ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। दिल्ली में कांग्रेसियों ने कोहराम मचा रखा था तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस प्रदर्शन करने में पीछे नहीं थी। मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ता विधान भवन के सामने इकट्ठा हुए। ये लोग यहाँ से राजभवन जाना चाहते थे, हालांकि पुलिस ने इन्हें ऐसा करने से रोका और हिरासत में लेकर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन भेज दिया, जहां से इन्हें बाद में छोड़ दिया गया। नागपुर में महंगाई और जीएसटी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के भीतर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त कर रखा था। सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया। बुलढाणा जिले के शेगांव शहर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करने के लिए सड़क पर ही लेट गए। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताने के लिए गैस के सिलेंडर को फूलों की माला पहना दी। करीब घंटे भर चले कांग्रेस के इस आंदोलन के कारण ट्रैफिक जाम लग गया। शेगांव पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। अमरावती में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और जीएसटी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने काले कपड़े नहीं पहने थे। शाम तक बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन महंगाई या बेरोजगारी के खिलाफ नहीं, बल्कि आज ही के दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था। ऐसे में इसके विरोध में पार्टी ने काले कपड़े पहने। पर सच ये है कि कांग्रेस या विपक्षी दल नहीं, खुद आरबीआई कह रही है कि देश महंगाई से जूझ रहा है। विपक्ष जब भी महंगाई का मुद्दा उठाता है, मोदी सरकार कहती है कि विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। अव्वल तो ऐसी महंगाई है नहीं और जो है भी उसकी वजह बाहरी है, फिर भी भारत की स्थिति बाकी देशों से बेहतर है। हालांकि आरबीआई के रेपो रेट को बढ़ाने के बाद अब आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज तक ब्यूरो।